सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को सबसे पहले वीडियो अपडेट पाने के लिए। देखिए दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड के द्वारा एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आप देख सकते हैं इसमें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा यह नोटिस जारी किया गया है। आज की डेट इसमें 6 जुलाई 2018 को अभी वेबसाइट पे 5-7 मिनट पहले ये अपलोड किया गया है। देखिए, ये पटवारी भर्ती हुई थी आपकी 2015, उस संबंध में कार्यालय आदेश है। इसमें लिखा गया है कि पटवारी सीधी भर्ती 2015 में पटवारी के पद पर पात्रता की जाँच के पश्चात अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की जो सूची है वो इस तरीके से दी गई है। देखिए, एक तरफ ये श्रेणी में ले रखी है, अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की संख्या है वो गैर अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत 354 अभ्यर्थियों को इसमें सेलेक्ट किया गया है और अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत इसमें 72 यानी 72 अभ्यर्थियों को सेलेक्ट किया गया है। उसी प्रकार न्यायालय आदेश की पालना में चयनित अभ्यर्थियों की संख्या है वो इसमें गैर अनुसूचित की 13 है और अनुसूचित क्षेत्र की इसमें 18 है। उसी प्रकार न्यायालय आदेश की पालना में चयनित लेकिन न्यायालय की अनुमति के बिना नियुक्ति देने वाले अभ्यर्थियों की संख्या इसमें गैर अनुसूचित की 6 दे रखी है और अनुसूचित की 1। इस तरीके से गैर अनुसूचित क्षेत्र के 373 अभ्यर्थियों को इसमें सेलेक्ट किया गया है और अनुसूचित क्षेत्र के 91 अभ्यर्थियों को सेलेक्ट किया गया है। इस तरीके से 464 अभ्यर्थियों को टोटल इसमें सेलेक्ट किया गया है। तो आप देख सकते हैं अलग अलग किस तरीके से ये सिलेक्ट किया गया है। आगे अपन बात करते हैं, आगे इसमें लिखा गया कि उपयुक्त अभ्यर्थियों का अंतिम चयन कर पद स्थापन की अनुशंसा के साथ निम्न राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर की भिजवाया जा रहा है। उपरोक्त अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची इस आदेश के साथ संलग्न कर बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित की जा रही है। देखिए, ये जो इसकी अभ्यर्थियों को इसमें सेलेक्ट किया गया है उसकी अगर सूची की अपन बात करें तो देखिए, एक तरफ यहाँ पर मेरिट नंबर ले रखे हैं जिस भी अभ्यर्थी के, कौन से मेरिट नंबर आए हैं, मेरिट पोजिशन ले रखी है। दूसरी तरफ यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर ले रखे हैं और रोल नंबर है उसका, कैंडिडेट का नाम है, कैंडिडेट के पिताजी का नाम है और उसकी एक तरफ डेट ऑफ बर्थ ले रखी है, जेंडर ले रखा है, उसका कैटेगरी इसमें ले रखी है कौन सी आती है। और देखिए, इस तरीके से इसमें हर एक चीज़ का इसमें डिवाइडेशन किया गया है। तो आप इसमें वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, जिस भी कैंडिडेट का नाम है पटवारी सीधी भर्ती 2015 में जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं और अपनी ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं उनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था। आप इसमें देख सकते हैं, अपना नाम देख सकते हैं और अपना रोल नंबर देख सकते हैं। देखिए, आप आगे इसमें और भी लिस्ट दे रखी है, आप देख सकते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और पटवार इसमें 2015 की जो वैकेंसी निकली थी उसके बारे में देखिए, ये इस तरीके से लिस्ट डाली गई है। देखिए, ये जो पेज है वो 8 पेजेस की ये लिस्ट है, जो लिस्ट ऑफ पटवारी फाइनली सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ पटवारी की जो वैकेंसी निकली 2015 में उसके लिए ये कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट किए गए हैं। आगे भी देखिए, ये लिस्ट और भी दे रखी है, इसमें कई कैंडिडेट इसमें दे रखे हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके इसमें आराम से इसको देख सकते हैं, वरना इसकी जो लिंक है वो इस PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करो दूंगा, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड करके भी इसको देख सकते हैं। आगे देखिए, इसमें रोल नंबर वाइज लिस्ट है वो भी इसी की वेबसाइट के ऊपर डाली गई है। आगे देखिए, आपको मैं वो भी दिखा देता हूँ जो कि रोल नंबर वाइज लिस्ट इसकी वेबसाइट के ऊपर डाली गई है। कैंडिडेट उसमें अपना रोल नंबर देख सकते हैं और अपना सिलेक्शन हुआ है कि नहीं उसमें वो देख सकते हैं। देखिए, उस लिस्ट की अपन बात करते हैं। देखिए, ये एक लिस्ट और डाली गई है इसकी वेबसाइट के ऊपर, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो जयपुर है उसके द्वारा ये लिस्ट डाली गई थी 5 जुलाई 2018 को, ये लिस्ट इसी वेबसाइट के ऊपर डाली गई थी। देखिए, इसमें लिखा गया कि 4400 पोस्ट के लिए इसका आयोजन करवाया गया था वैकेंसी का, जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के 3978 पद हैं और अनुसूचित क्षेत्र के इसमें 422 पदों के लिए इस वैकेंसी का आयोजन करवाया गया था, जिसकी प्रारंभिक परीक्षा 13 फरवरी 2016 को हुई थी और इसकी मुख्य परीक्षा है वो इसमें 24 दिसंबर 2016 को इसका आयोजन करवाया गया था। देखिए, इसकी जो प्रोविजनल जो लिस्ट डिक्लेयर की गई है गैर अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए जो इसमें सिलेक्टेड किए गए हैं, आप इसमें वीडियो को पॉज करके और अपने इसमें रोल नंबर है वो इस तरीके से आप देख सकते हैं। जिस भी कैंडिडेट है वो अपनी ज्वाइनिंग का वेट कर रहे थे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान, तो आप इसमें वीडियो को पॉज करके बाद में अपने रोल नंबर है वो इसमें देख सकते हैं। देखिए, 3 पेजेज की लिस्ट डाली गई है जिसके अंदर काफी कैंडिडेट को इसमें सेलेक्ट किया गया है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है और अंतिम रूप से इसमें प्रोविजनली रूप से इसमें सेलेक्ट किया गया है। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हैं, इतने कैंडिडेट को इसमें सेलेक्ट किया गया है। देखिए, इसकी लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से आप इस लिस्ट को डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसके बाद में खुद से भी इस लिस्ट में अपना नाम, अपना जो रोल नंबर है वो देख सकते हैं। तो देखिए, इसी तरीके से हम हर एक भर्ती के बारे में आपको वीडियो प्रोवाइड करवाते रहते हैं, चाहे किसी भी चीज़ से वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से आए, चाहे किसी चीज़ का कोई नोटिस आपको जारी हो, किसी चीज़ का एडमिट कार्ड अगर वो जारी होता है, कोई नई वैकेंसी का आयोजन करवाया जाता है, तो इस तरीके से इसलिए हर एक चीज़ का वीडियो आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवा दिया जाता है। इसलिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और देखिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए जो भी पटवारी सीधी भर्ती 2015 में अपनी ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं, ताकि वो इस लिस्ट में अपना रोल नंबर देख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।